क्या असर हो रहा होगा। बस इतना ही दम है तुम्हारे अंदर? मुझे और हथियार मिले हैं, पर किसी ने भी कभी इन्हें इस्तेमाल नहीं किया है। तोप में भर दो, पीछे हट जाओ। मुझे पता है तुम अंदर हो। यहाँ से बाहर निकल के रहूँगा। तुम्हें और पावर चाहिए फॉर्म। पता नहीं इनकी शानदार शार्क शो में जोश क्यों नहीं होता। आखिर बाहर आ ही गया। नई टांग के लिए शुक्रिया। देखो मॉम, शार्क मॉम। क्या? ओ वो स्टैंडर्ड गिरता ही जा रहा है। मुझे क्यों मारे हो, मैं तुम्हारी पूंछ हूँ। शिकार की पूंछ हो तुम। मैं इनके बारे में नहीं कह रही थी। अच्छा वो सब छोड़ो, चीज बर्गर कौन खाएगा? मैं। ये तो सब समझ में आ रहा है, पर ये समझ में नहीं आ रहा है वो विशाल मेटल की शार्क कहाँ से आ गई। चलो कम से कम हम दोनों साथ डूबेंगे। ये क्या, मैंने इतनी मेहनत की और तुमने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मुझे धोखा दे दिया। तुम बहुत बुरे हो पेरी द प्लैट। हे कैंडिस, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हे स्टेसी, आज मुझे बहुत सारे काम है, इसलिए फिनिस और फॉब को जल्दी पकड़वाना चाहती हूँ। अपने लिए भी तो टाइम चाहिए ना? तुम यहाँ हो कब से? कल रात से। अच्छा, और वो लोग कौन हैं? मुझे नहीं पता। हे तुम लोग कौन हो? पुराने कपड़ों का सेल लगाना चाहते हैं। ये मेरा बैकयार्ड है। तुम्हें यहाँ सेल लगाने दो, तुम्हें एक दो ड्रेसेस मुफ्त में। निकल जाओ मेरे बैकयार्ड से। इस लड़की को कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो वो कौन सा काम है जो तुम करना चाहती थी? तुम्हें याद है जर्मनी ने मेरे लिए वो रोमांटिक डिनर बनाया? कैंडिस, उसने वो माइक्रोवेव से बनाया था। हाँ, वो प्यारा सा पिज्जा याद है? तो मैं भी उसके लिए रोमांटिक डिनर बनाना चाहती हूँ। फिर सोच लो, कैंडिस मैं कुकिंग के मामले में कमजोर हूँ। कमजोर तो मैं भी हूँ, पर कुछ तुम्हें आता होगा कुछ मुझे आता होगा। दोनों मिलकर बनाएंगे तो डिनर बन जाएगा, राइट? क्यों नहीं। वो कुकिंग रूम है कहाँ? किचन में है, हम अपने सारे कुकिंग टूल्स वहीं रखते हैं। हे कैंडिस, हम चांद पे जा रहे हैं। चांद पर? एक मिनट, चांद पर क्यों जा रहे हो? मार्स पर जाकर आने के बाद अब चांद पर जाने का क्या मतलब? तुम्हें वो पुरानी राइम याद है, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं? हाँ, थोड़ी थोड़ी। उसका एक आखिरी पैरा था जो कहीं खो गया था, और जो अब फब और मुझे डेड सी में मिला है। थोड़ी गीली और नमकीन है फिर भी पढ़ता हूँ। बिल्ली को देखकर वो गई बुरी तरह डर, गाय कूद गई चांद पर। चांद की कम ग्रेविटी की वजह से चांद पर कूदने वाली गाय के दूध से अब तक की सबसे स्वादिष्ट आइसक्रीम बनी। वो राइम नहीं करता था, इसलिए उन्होंने उसे ज्यादातर वर्जन से बाहर रखा। उसी का पता लगाने जा रहे हैं। उसके लिए गाय भी तो चाहिए होंगी ना? बिल्कुल चाहिए। गाय शीप में आओ। ऐसी बेकार की बात मैंने कभी नहीं। फिनियस और फॉब, मैं 10 तक की उल्टी गिनती गिनूंगी और तब तक तुम यहाँ होनी चाहिए ताकि मैं तुम्हें पकड़वा सकूं। 10, 9, 8, 7, सब अपनी अपनी जगह पहुँच जाओ। 5, 4, 3, 2, 1। हे पेरी कहाँ है? मॉर्निंग एजेंट पेरी, हमें पता चला है कि डूफेंशमर्स कुछ करने वाला है। हम चाहते हैं कि तुम डूफेंशमर्स इविल इनकॉर्पोरेटेड में जाओ और पता लगाओ मामला क्या है। तुम्हें अंदर पहुंचने में परेशानी न हो, इसलिए हमने एक एजेंट से वहां एक सेंट्रल एक्सेस थ्रेशोल्ड या CAT डोर लगवाया है। तो अब जल्दी से जाओ और गुड लक। तो अब मैं एजेंट हूँ सर? हम तुम्हें अभी भी सैलरी नहीं देते। सबको याद है ना, चांद की ग्रेविटी पृथ्वी से 83.3% कम है। तो क्या चलो उछले। नहीं ब्यूफर्ड, प्लीज मुझे मत छोड़ो, मैं बेकार में डर रहा था। रुको, मैं भी आ रहा हूँ। चांद पर आकर तुम्हारा वजन बढ़ गया है। बैरी द प्लैटिपस। क्या? ओ ये हरा रंग।